गाइस सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्टडी स्टफ फॉर यू। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि प्लानिंग जो होता है ना वो स्पोर्ट्स में जरूरी क्यों होता है। प्लानिंग के हम लोग इस वीडियो में सब कुछ देख लेने वाले हैं कि क्या होता है, स्पोर्ट्स में जरूरी क्यों होता है और इसका फायदा क्या क्या होता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लानिंग होता क्या। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग जो होता है ना वो एडवांस में डिसाइड करना होता है कि हम लोग को क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। और उसको हम लोग बेसिकली स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे लेके चलेंगे। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो प्लानिंग क्या होता है कि गेम जो होता है उसके बारे में लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना, कौन करेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग हम लोग के लिए जरूरी क्यों होता है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि रीचिंग आवर गोल स्मूथली एंड इफिशियंटली। हम लोग अगर प्लानिंग कर लेते हैं ना तो हमारा जो गोल होता है ना वहां तक हम लोग बहुत ज्यादा स्मूथली और इफिशियंटली पहुंच सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि अननेसेसरी प्रेशर जो होता है ना, जैसे कि जब भी हम लोग सपोज करके गेम खेलते हैं ना तो अक्सर काफी भागा दौड़ी हो जाती है, काफी जल्दीबाजी में हम लोग रहते हैं, तो उस समय उससे झूठ मूठ का प्रेशर आता है जो कि जिसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा गेम पे खराब पड़ सकता है। उसके लिए हम लोग पहले से प्लानिंग किए रहेंगे तो भागा दौड़ी वैसा होगा नहीं, तो उससे उससे हम लोग को अननेसेसरी प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा और गेम भी काफी अच्छा जाएगा। थर्ड क्या होता है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग पहले ही सब डिसाइड कर लेंगे ना, जैसे क्रिकेट में काफी बार आप लोग खेलते होंगे या फिर बहुत लोग खेलते हैं तो कभी कभी सब फील्ड में लड़ जाते हैं कि मुझे बैटिंग करनी है, मुझे बॉलिंग करनी है, मुझे ये करनी है, वो करनी है। अगर पहले से डिसाइड रहा है कि ये बंदा बैटिंग करने वाला है, ये बंदा बॉलिंग करने वाला है, तो ऐसा कोई डिस्प्यूट होगा नहीं, उसका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा रहेगा और गेम भी है काफी अच्छा चलेगा। रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। अब देखिए गेम कोई भी लेवल का हो, इंटरनेशनल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, नेशनल हो, स्टेट लेवल पे हो, कोई भी गेम हो ना, मिस्टेक्स सब में होती है, बट हम लोग उस मिस्टेक को खत्म नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो हम लोग प्लानिंग के हिसाब से क्या होता है कि वो मिस्टेक्स जो होती है ना वो जरूर कम हो जाती है। फिर उसके बाद अगर ये सब हम लोग इतने सारे चीज हो गए कि हमारे गोल स्मूथली पहुंच रहे, प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो गया, कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो गया, मिस्टेक्स के चांसेस रिड्यूस हो गए, तो इससे क्या होगा हमारा एफिशिएंसी जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। और सिक्स नंबर पे क्रिएटिविटी। देखिए अगर हम प्लानिंग से क्या होता है ना, कभी कभी नए नए स्टेप्स या नए नए जो टेक्निक होते हैं ना वो डेवलप हो जाते हैं। किसी का बैटिंग करने का टेक्निक काफी अलग तरह का डेवलप हो गया कि वो इस तरह से बैटिंग करेगा, किसी को फुटबॉल पास करने का टेक्निक डेवलप करता है, तो वो फायदा होता है। और ये सबसे जो होता है वो स्पोर्ट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो हम लोग कोई भी गेम आप लोग अब खेलने जाएगा तो उसके पहले अपना टीम मेंबर जो होता है ना उन लोग बैठ कर प्लानिंग कर लीजिएगा, इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है और कैसे करना है सब चीज। अगर आपको अगर प्लानिंग में भी कोई दिक्कत हो रहा है कि कैसे प्लान करें कोई भी गेम को, तो आप कमेंट बॉक्स में उस पार्टिकुलर गेम का नाम लिखिए और फिर आपको 2 दिन के अंदर वो वीडियो जरूर मिल जाएगी कि आप